एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह कोतवाली थाना अंतर्गत तीन गुली के पास भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री अरविंद उपाध्याय की कार हादसे का शिकार हो गई। दरअसल वे तीन गुली स्थित एक मेडिकल की दुकान से दवाइयां लेकर के जब अपने घर की ओर जा रहे थे, इसी दौरान रास्ते में उनकी कार डिवाइडर से टकरा करके आधी पलट गई और कार क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों को मामले की जानकारी लगने के बाद तत्काल ही कार में बैठे अरविंद उपाध्याय को बाहर निकाला गया। हालांकि उनको मामूली चोट ही आई है और बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां पर डिवाइडर ना दिखने की वजह से लगातार हादसे होते रहते हैं। यहां पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, रेडियम इत्यादि यहां पर लगाए जाने चाहिए या फिर पूरा डिवाइडर बना देना चाहिए। मालूम हो कि यहां पर लगातार ही हादसों के बाद स्थानीय लोग कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री की कार हादसे का शिकार हो गई। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा टल गया। मेरी रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। आगे के नेचे के बम्पर को ये पूरा कवर लगो है, गाड़ी पे चढ़ी है, नेचे को बम्पर को निकल जाओ। आए दिन डिवाइडर पे या फिर रेडियम टाइप का कुछ लगे, दो चार दिन में एक गाड़ी मिट मिट पर ही है। यहाँ महाकौशल मेडिकल से दवाई ली हमने और गाड़ी मोड़ी और मोड़ के बिल्कुल यहाँ सियाराम राधेश्याम स्वीट्स के सामने आए। सामने से कोई गाड़ी आ रही थी बहुत तेज लाइट की, तो डिवाइडर का कॉर्नर नहीं दिखा हमें और आगे का चक्का ड्राइवर साइड का उस कॉर्नर पे लग गया। गाड़ी बहुत स्लो थी इसलिए बहुत आगे नहीं जा पाए, लेकिन वो आगे का चक्का उस पर चढ़ गया तो गाड़ी पलट गई, एक ही साइड पलटी। आगे से दिखता भी नहीं है कोई लाइट। क्या चोट वगैरह आई आपको? कोई चोट वगैरह? हमें चोट नहीं आई, हल्का सा निकलते समय थोड़ा सा हल्का सा छिले है, चोट तो वैसे कोई नहीं आई है। पर ये ड्राइवर या तो ये डिवाइडर या तो चौराहे तक हो या इसके आगे रेडियम लगे, इसकी मैं भी बात रखूंगा। क्या नाम है भैया आप? क्या अरविंद उपाध्याय? कौन से पद? मैं जिला मंत्री हूँ भाई। आज वो गाड़ी आ रही थी तो हम घर पे थे, वहाँ से हमने आवाज़ सुनी, यहाँ डिवाइडर में जो गाड़ी घली है तो वहाँ तक हमारे यानी घर अंदर वहाँ से आवाज़ सुनाई थी, तो वहाँ से दौड़ लगा के आए किसकी गाड़ी है, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ जिला मंत्री की गाड़ी, उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो गाड़ी यहाँ पर बिल्कुल यानी खड़ी थी, सीधी नहीं गाड़ी खड़ी हुई थी, तो देखा उनको हम लोगों ने निकाला, ठीक है। तो आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होता है, तीन चार दिन में या हफ्ता भर में या 15 दिन में एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और हम लोग उनके लिए यहाँ से अस्पताल के लिए फ़ोन भी लगाते हैं, फोन नंबर देते तो भेजती है। कोई कोई तो ऐसी घटना हो जाती है कि इन्हें बिल्कुल सीरियसली हो जाता है। क्या मांग है आपकी? क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि यहाँ का कोई निर्माण होना चाहिए और इस चौराहे तक ये डिवाइडर बनना चाहिए या फिर यहाँ पर कोई खम्भ या कोई यातायात का कोई वो होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुजीत सिंह ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के तीन गुल्ली के निवासी हैं। ये मैं कौशल पटेल तीन गुल्ली पर रहता हूँ। यहाँ पे ये जो घटना हुई है हमारे जो भाजपा के जिला मंत्री अरविंद उपाध्याय जी के साथ हुआ है, और ये हमारे यहाँ से दवाई लेके निकले थे, बस उनको 2 मिनट ही हुए थे, लेकिन वो इतनी स्पीड पे भी नहीं थे, मुश्किल से 15 या 20 की स्पीड पे होंगे। लेकिन यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे अंधेरा छाया रहता है और ये जो डिवाइडर बना हुआ है, इस डिवाइडर से हम देखते रहते हैं, हर महीने में एक दो घटनाएं घटती ही रहती हैं, गाड़ियां पलटती रहती हैं,
क्योंकि इसमें किसी प्रकार का ना इंडिकेटर लगा हुआ है, ना किसी प्रकार की रेडियम लगा हुआ है, और जो एक नियम होता है डिवाइडर बनाने का उसके अंतर्गत तो कुछ है ही नहीं। ऐसा लगता है कि बना के चलेगा और उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि घटनाएं घटती हैं, पेपर में छपती है, लोग पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, और प्रशासन सिर्फ मौन होकर देखता रहता है। वो चाहता है कि कोई बड़ी घटना घटेगी उसके बाद उनकी नींद जागेगी। हम प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं आप लोगों के माध्यम से, और ये गुजारिश करते हैं कि आगे इस तरह की कोई घटना ना घटे। ये तो भाई साहब बहुत स्लो थे इसलिए कोई बड़ी घटना घट नहीं पाई, गाड़ी पलटी है, लेकिन इस तरह से कोई बाहरी व्यक्ति कभी आएगा जिसको इस रास्ते का पता नहीं है उसके साथ तो बड़ी घटना घट सकती है। उसको बचाने के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का इंडिकेटर लगाया जाए या डिवाइडर को कुछ तरीके से बनाया जाए जिससे लोगों को वो समझ सके कि यहाँ डिवाइडर है या लाइट की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।